हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद सना। तो चलिए आज बनाते हैं ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स होममेड ओरियो आइसक्रीम। तो ये वाला ओरियो आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और परफेक्ट होममेड आइसक्रीम बनकर रेडी हो जाता है। तो ओरियो बिस्किट तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया हुआ है कंडेंस मिल्क यानी मिल्क मेड, और इसे जार में डाल दिया। फिर इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क और इसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं डार्क फैंटेसी बिस्किट एंड ओरियो बिस्किट। आपको अगर दोनों में से कोई भी बिस्किट पसंद हो ना तो उससे बना सकते हो, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ओरियो, तो मैं इसी से आइसक्रीम बना रही हूँ। तो इसे कूट कर चूरा चूरा किया, और जो हमने ग्राइंड किया था मिल्क मेड एंड मिल्क को, इसमें ओरियो बिस्किट का चूरा डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये वाला आइसक्रीम आप ये वाले तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एंड टेस्टी लगेगा। और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब चाहिए हमें इस तरह का कोई भी बॉक्स, या फिर अगर आपके पास इस तरह का कोई बॉक्स नहीं है तो लंच बॉक्स तो सबके घर पे अवेलेबल होता ही है, तो आप उसमें फिल करके उससे आइसक्रीम बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सारा मिक्सचर इसमें फिल किया और इसे टाइटली कवर कर देंगे। और इसे तकरीबन 5 से 6 घंटे तक फ्रीज किया था, तो बहुत ही परफेक्ट एंड क्रीमी ओरियो आइसक्रीम बनकर रेडी हो गई, बिल्कुल मार्केट जैसी। और ये हमारे तरीके वाली आइसक्रीम है, इससे पहले इसे किसी ने भी ट्राई नहीं किया है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एंड चॉकलेटी फ्लेवर वाला टेस्ट आ रहा था। तो वैसे हमें कमेंट में बताओ आप सबकी फेवरेट बिस्किट डार्क फैंटेसी है या ओरियो। मेरी तो ओरियो बिस्किट फेवरेट है, और इसे सर्व करके खाया तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो आप भी इसे घर पे बनाकर एंजॉय करो, बहुत ही इजी है। ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स में इतनी बढ़िया आइसक्रीम घर पे बनकर रेडी हो जा रही है, तो क्या ही बात है ना। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।